फैम फैम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है पता नहीं कौन सा दिन है, मैं अभी अभी पहुंची हूँ, शायद वेंसडे है। सो अब मैं अभी अभी पहुंची हूँ, मैं फटाफट से पहले साशा को लेने जा रही हूँ, उसके बाद बाकी की बात करूँगी आके। साशू घर आ गया भाई, अपने घर आ गया भाई। आई मैंने साशू देखे, भूला तो नहीं है साशू? ओए चार दिन में पड़ा हो गया है मेरा बच्चा, चौथा जो पाला जो चोल के गए थे। सो शाम हो गई है और ये साशा सुबह से इसी तरह सो रहा है। मतलब उसको अभी भी शायद लग रहा है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। सो मैंने इसको नहला धुला के खाना खिला के एकदम मस्त मतलब कंफर्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कडलिंग करी है, बहुत ज़्यादा, तब जाके ये मेरे पास आया है। वरना ये नाराज था कि हम इसको छोड़ कर चले गए। अब नहीं छोड़ूंगी मैं, छोड़ूँ तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। इसके यहाँ पर पता नहीं शायद चोट लग गई है कि पता नहीं क्या हो गया है, बट जो भी है चार दिन में मेरा बच्चा बड़ा बड़ा सा लगने लग गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई लव यू साशू। ओके जी, सो हो गया है नेक्स्ट डे। कल मैं पूरा दिन साशा के साथ लगी रही, फिर ऑफिस भी था, फिर थकी भी थी, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। और मेरे को ये दिखाना था कि ये हिजाब वाला ऑर्डर आ गया है, मैंने ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले ऑर्डर किया था, बट अब फाइनली वो आ गया है। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं साशा को थोड़ा सा बालकनी में निकलना सिखाऊंगी, बिकॉज जब से कल से मेरा साशू आया है ना, इतना सैड सा हो गया है। लाइक उसे पता नहीं बार बार ये लग रहा है शायद कि मैं उसको फिर से छोड़ दूंगी या कुछ भी, और वो देखकर मेरा दिल इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना, लाइक जैसे छोटे बच्चों को पेरेंट्स उनके अबैंडन कर देते होंगे तो उनको कैसा फील होता होगा। और ये सारी पूरी बात कल से मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक लो फील हो रहा था। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यही थी कि मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, और कल से ये भी बहुत ज़्यादा लो है। लाइक वो पुरानी चीज़ें कर ही नहीं रहा है जो वो पहले करता था। तो चार दिन में उसको मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, तो सोचिए जो रियल लाइफ बेबीज़ होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा तो उनको कैसा फील होता होगा। सो अब मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे बाहर निकलना या फिर ऐसा कुछ सिखाऊंगी। एंड या पहले इसको देखते हैं खोल के कि क्या क्या आया है, ऑर्डर सही है या नहीं है, और उसके बाद हम लोग फिर बालकनी में जाएंगे। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था। ओके सो एक है ये टील ग्रीन कलर का कॉटन क्रिंकल्ड हिजाब। आई थिंक ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि स्टफ बहुत सॉफ्ट है। प्लस मैंने ऑर्डर करा था एक ब्लैक कलर का हिजाब कैप, ये आपके जो हिजाब है उसको जगह पे रखता है और प्लस आपके बाल भी कवर कर देता है काफ़ी अच्छे तरीके से। प्लस एक है ये स्लीव एक्सटेंडर, ये इसलिए है सो दैट मैं अपने जितने हाफ टी शर्ट्स और कुर्ते वगैरह हैं उनको ईजिली पहन सकूँ, मेरी स्किन भी कवर हो जाएगी और टैनिंग वगैरह से भी बचाएगा। सो आई थिंक ऑल दिस स्टफ इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लस ये यहाँ पर चिपक गया है इनका कार्ड। सो अभी करते हैं हम लोग साशा को बालकनी ले जाने की तैयारी और देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, बट फिंगर क्रॉस्ड। यस चले साशू बाहर चले, चलो इधर से खुलेगा दरवाज़ा खोल के देखते हैं बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। कबूतर भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए, और इसकी पूंछ हिल रही है बहुत तगड़े तरीके से। सबसे ज़्यादा डर मेरे को इसी बात का लगता है, ये बालकनी के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं इसको कैसे ट्रेन करूँ यार, और ये वहीं भागेगा। गिव मी सम टाइम। हाय साशू, सारे पिजन्स को मैं बालकनी से भगा रही हूँ, कोई भी रेलिंग पे ना रहे वरना ये उसके पीछे पीछे भागेगा। नो नो साशु नो, वेरी गुड वेरी गुड, नो गुड बॉय। खत्म हो गया तुम्हारा, यहीं पे खेलो अब बैठ के। ट्विन टावर डिमोलिशन यहाँ से भी विजिबल है। उफ, बहुत ज़्यादा धुआं, इतना धुआं। ओके सो आज हो गया है संडे, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और मैं उठी हूँ आज 3:30 बजे। लाइक लिटरली मतलब मैं जब से घर से आई हूँ ना, मेरा बिल्कुल दिमाग आउट हो रखा है। पता नहीं क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, एंग्शियस हूँ, परेशान हूँ, लॉस्ट हूँ, पता नहीं, मतलब जो कुछ भी है ना बहुत ही
अजीब ही लग रहा है अब, कि जो कुछ भी होता होगा ना वो ही हो रहा है मेरे साथ। कहीं बाहर निकलूं शायद थोड़ा बेटर फील होगा। मेरे को एक्चुअली अभी बैग्स लेने बाकी हैं, बट लेने के इरादे से नहीं जाऊंगी, अगर गई तो सिर्फ देखने देखने के लिए जाऊंगी। किसी के हुई है यार मतलब शादी वादी होने वाली हो या हो चुकी हो, लाइक मतलब सच में ऐसा फील होता है क्या? पता नहीं यार, मेरे को बहुत बहुत अजीब लग रहा है। मतलब आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है, लाइक इतना लॉस्ट फील हो रहा है ना। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट स्टिल लाइक आई डोंट नो, व्हाटएवर। हम लोग कहीं घूम के आते हैं, ओके? इसमें तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। फाइनली मेरे सासू ने एक जगह पकड़ ली है, बेहतरीन व्यू मिलेगा और जनाब यहाँ सोफे पे आराम करेंगे। हाय शनु मेला, हाय मिले शनु, चाचू मेला जल्दी से आ जाए, रन करके। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह मेरा मोचा, ये देखो ओलो 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 बॉय, ओलो बॉय मिट्टी में लेट गया। और बूजू ए मेला शुगू, ए मेले पूछी पूछी कलेजी मिली शोरी सी, एक काली वाली कलेजी है मिली, ये पाली है, ये गुलिया है मिली। इधर आओ, इधर आओ सासू, ओए अरे इधर जाओ बाहर से। ओए गुजू मेला, मेरा गुजू मुजू, ओके। सो आज हो गया है मंडे और हो गई है रात, और लिटरली मैं पूरा दिन, लाइक पूरा दिन, कसम से पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, ऑनलाइन ऐसी विंडो शॉपिंग कर रही थी और बस ऐसी टाइम पास कर रही थी बेसिकली। और मैंने अच्छा फील करने के लिए ये हिजाब भी पहना था, बट ऐसा कुछ ऐड अप नहीं हुआ। बट अभी फिर मैं थोड़ा लिस्ट वगैरह बनाने के लिए मैंने अपनी डायरी पेन उठाया है। सो देखते हैं, कुछ मेकअप वेकअप शेकअप का कुछ करते हैं रिसर्च और इसमें ऐड करते हैं। सो या, और इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट इस व्लॉग में होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी और मे बी इट्स अ प्रैक्टिकल फीलिंग जो शायद सभी को होती होगी मे बी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एंड सब कुछ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी लाइक घबराहट तो सबको होती है ना, तो वही वाला सीन है शायद जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। बट एनीवेज जो भी है, सो अगर उससे पहले आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा रेगुलर रील्स वगैरह डाल रही हूँ। हाँ, उससे पहले मैंने कल किन्स से कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि किन्स में बैग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, लाइक नो डाउट बहुत प्रिटी थे, बहुत प्रिटी थे, कुछ तो आपने देखे भी होंगे क्लिप्स में, और बट बहुत महंगे थे, लाइक बहुत महंगे। महंगे वाले मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, सो इसलिए मेरे को अभी थोड़े लाइक रीजनेबल प्राइस वाले चाहिए, और उसके लिए मेरे को कहीं जाना है जो मैंने प्लान किया है इस वीक के लिए। सो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको वही देखने को मिल जाए, मे बी। सो आई थिंक आई शुड लीव नाउ टिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।